आदाब अर्ज है, ज़रा वो सवालों का इंटरव्यू का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। अच्छा, आपने अपने बेटे की अभी तक शादी नहीं की, जो बड़े बेटे जी नहीं, कुआरे हो जी नहीं, तो आपने क्या सोचा कि इमिग्रेशन मिल जाएगी कहीं, ऐसा वैसा तो नहीं, या फिर शी इज़ एस्टेब्लिश्ड वुमन ऑल्सो, शी इज़ फेमस, तो ऐसा तो कुछ नहीं सोचा, मतलब थोड़ी सी सोच बताइए कि क्या हुआ। नहीं, वो तो आपको पता है आजकल के मुल्क के हालात की वजह से हर माँ सोचती है, मैं झूठ नहीं बोलती, हर माँ सोचती, मैंने भी सोचा था कि चलो बच्चे की ज़िंदगी बन जाएगी, और कोई मेरे बच्चे की जो उम्र है ना, इस वक्त शादी की उम्र है, पर उसकी इतनी नहीं है कि वो मैं उसकी शादी करके आगे उसके बच्चे के बारे में या उसके बारे में कुछ कर सकूँ। मेरे मियाँ रेलवे में लगे हुए, हम इतने लैंडलॉर्ड ये नहीं है, शुक्र है खुदा के घर में, मतलब जो भी है हालात अच्छे खा पिए, और दूसरी बात है बस इसलिए ये सोचे कि चलो बच्चे की ज़िंदगी बन जाएगी। अच्छा, अच्छे लड़कों के लिए तो फैमिली में बहुत सारे रिश्ते होते हैं, तो आपको नहीं लगा कि थोड़ी सी लेट हो गई उनकी एज भी, आप लेट हो गई है उनकी शादी कराने? आपको बता तो रही हूँ कि बच्चे की तनख्वाह इतनी नहीं है, वो एक फिल्टर लगा ले ना तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको 1000 रुपये फ़ायदा, पूरे दिन में एक फिल्टर लगा ले तो 1000 रुपया उसको मुनाफे मिल जाता है या 1500 मिल जाता है, घर पर माँ बाप को भी देता है, ख़ुद भी, मतलब आजकल के बच्चों के वैसे फरहान साहब कोई काम नहीं करते? ये भी करता है, मैं काम करता हूँ। आप दो बेटे जी और बहन वगैरह? दो बहन है, एक लंदन में। अच्छा, लंदन चली गई शादी होके जी, और जो दो मतलब छोटी की भी, इसलिए उसको सामने नहीं ला रहे, उसकी भी शादी है, वो भी लंदन से आया है, कुछ रिकॉर्ड पड़ी है हमारे रिश्ते से। अच्छा, तो मैं इसलिए उसको सामने नहीं ला रहा। बिंदिया जी, आप और शिवा जी, फिर आप सवाल का सिलसिला शुरू कीजिए। बिंदिया जी पहले आप पूछ लीजिए बात जी। आपने कल बातों में कहा था कि हमारी सारी फैमिली के पास यूके का नेशनलाइजेशन है, तो फिर आपने किस तरह से कहा कि मैंने सोचा बेटे की ज़िंदगी बन जाएगी? क्या आपने सोचा कि शादी होगी, US इमिग्रेशन मिल जाएगा, या शादी ही करनी है किसी से भी? नहीं, किसी से शादी ही करनी है। अच्छा, शादी तो किसी से भी करनी है। अच्छा, तो अच्छा, ये देखा कि चलो बच्चे की ज़िंदगी का सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मेरा बच्चा वैसे मैं आपको एक बात, बहुत शरीफ है और बहुत अच्छा है, और वो जो 4 पैसे कमाता है ना, वो अपना आप खुद नहीं खर्चे करके किसी पे लगाने के लिए। लेकिन ज़िंदगी बन जाएगी मीन्स कि हम बाहर ले जाएंगे फिर उसका? नहीं, वो मेरे पास ने, अगर ये हर माँ सोचती है, मेरे ख़ानदान सारे बाहर है, मेरी बहन के घर, मेरे 3-4 लंदन में मेरे कज़न है, मेरे भाई हैं, मेरी तो लंदन वाले नहीं स्पॉन्सर कर सकते एज अ फैमिली मेंबर कुछ आपस में, आपको पता है। लेकिन नहीं होता, लेकिन वो इस तरह होता ना कि कोई भी ख़ानदान में खासतौर पे कोई ये लेवल नहीं देखता कि क्योंकि छोटे सा हमारे लेवल पे आ जाए। वो इस तरह की मेरी सिस्टर है वहाँ पे, उनके पास ऊपर रूम भी है, वो अगर मेरी आंटी वहाँ पे मैं चाहे तो मैं बुला सकती हैं, लेकिन इस तरह कोई अपने अपनों के बारे में आज के दौर में कोई सोचता नहीं है। ये चीज़ जो है, ये चीज़ बिल्कुल कोई भी नहीं सोचता। लेकिन हम तो सेटल होना चाह रहे हैं ना कि हमें अब सुकून मिले। हम आपके नज़रिए से भी मुत्तफिक हैं कि बेटा सेटल हो जाए, एक तो शादी अच्छी जगह है, ऊपर से बाहर ले जाएं, उसके स्पॉन्सरशिप कर लें, लेकिन वो फिर हम किधर, हम कहाँ आते हैं? नहीं, वो मैं आपकी बात की जवाब देती हूँ। ये हम नहीं कहते कि आप सेटल हो जाएं या आप लंदन की नेशनलिटी दें या कुछ करें, ये नहीं, मैं कभी नहीं सोचा भी नहीं है। सिर्फ ये सोचा कि बच्चों की ज़िंदगी के जहाँ आप रहेंगे, कोई कारोबार कुछ, मतलब अपने औकात से जितना उसके औकात है उस हिसाब से, हमारे पास इतनी औकात नहीं है। वो दरअसल इतना मेरा भाई ना पढ़ा नहीं हुआ, वो बिल्कुल इतना तालीम हासिल किया, कोई बात नहीं, तालीम मुकम्मल नहीं किया। सिर्फ क्या है कि दिमाग अल्लाह ने से इतना दिया, हम आपको बता रहे कि गरीब थे, मेरे मियाँ रेलवे में लगे हुए थे, हमारी इतनी मेरी औकात इतनी नहीं थी मैं बच्चों को पढ़ा सकते, क्योंकि 4 बच्चे थे और रेलवे में अकेले मेरे मियाँ कमाने वाले थे, तो पढ़ने चारों बच्चों को, हम ही उम्र है, साल के फ़र्क है, तो डालते थे वो, उसको मैंने छोटे में काम पर डाल दिया। आप उसे देखेंगे ना तो खुद ही आप अंदाज़ा लगा, अल्लाह ने दिमाग इतना दिया, जहन इतना। अगर आप अचानक हमारे घर के मोहल्ले में जाके उसकी जितनी उसकी लोग तारीफ करेंगे ना, शायद कोई इस इंसान की नहीं। वो कोई एमए पास, बीए पास होना तालीम सिर्फ नहीं होती, इंसानियत भी होनी दिमाग और बड़ी बात है, चार बच्चे पाल लेना इस हालत में जी। चूंकि जाहिर है कि हमारी उस्ताद इनके साथ बहुत काम किया है हम लोगों ने, और इन्होंने बहुत काम किया। अब जाहिर है एक ऐसा स्टेप आता है इंसान के ज़िंदगी में जब वो सुकून भी चाहता है, तभी तो ये प्रोग्राम है ना कि बिंदिया की शादी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बता रहे हैं कि बच्चे की ज़िंदगी बन जाए, बिल्कुल। हमें तो बिंदिया की ज़िंदगी भी साथ देखनी है,
और डेफिनेटली सबसे पहले तो ये है कि आप माँ हैं, आप अपने आंखों से ज़ाहिर बच्चों को, लड़कियों का तो कोई नहीं, वो तो कहीं भी आप उनको ब्याह दें, लड़कों को अपने से बहुत दूर करना एक बड़े हौसले की बात है कि बच्चे की ज़िंदगी। अब मैंने अक्सर सुना है, पढ़ा भी है, देखा भी है कि जो पाकिस्तान से बाहर इमिग्रेशन वाली खातून से कोई भी शादी करता है वो वहाँ जाके एक दो साल में उस खातून को छोड़ देते हैं, वहाँ की को शादी कर लेते हैं। बड़े बड़े मसाइल हैं, लेकिन आप बता रहे कि मेरा बेटा बहुत शरीफ है, उनके बच्चे बहुत शरीफ होते हैं क्योंकि उनके माँ बाप शरीफ होते हैं। जब वो बाहर चले जाते हैं तो वहाँ पे शरीफ रहना असल मसला है। तो सुने मेरी बात, सुने पॉइंट हमने ये, वो तो बहुत आपका ज़ाहिर ये भी नज़र आ रहा है बहुत अच्छा बच्चा है, आप खुद इतनी अच्छी, हमें इस वक्त ये कंसंट्रेट करना है कि इनकी शादी जी उसके लिए, बिल्कुल राइट ना, आप समझते ना इस बातों को। तो मैं यही पे कहना चाहूँगी आपसे कि आप ये ऑप्शन ही ना रखें इमिग्रेशन या बच्चे की ज़िंदगी सेट होगी। आप बताइए कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, वो आपके साथ शादी करके खुश रहेगा और आपको भी खुश रहेगा। मेरी बात सुने, मैं देखिए झूठ बोलने में ये मैं आपको बताती हूँ कि झूठ ना मैं बोलती हूँ ना, अगर मैंने कोई सोचा होगा तो कुछ बच्चों के बारे में सोचा होगा। अगर आपके इनके साथ मेरे बच्चों की जिंदगी गुजरती है तो मुझे इससे ज्यादा खुशी क्या होगी। और दूसरे वाले जिंदगी मिले सारे सबको, लोगों को, देखने वालों को बताना चाहते हूँ, हम जब इनसे मिले हमें सबसे अच्छी बात इनकी जो लगी ना वो ये कि ये सच माशाल्लाह से बोल। मैं आपको ये बताऊँ सबसे बड़ी बात है कि मैं जो हूँ ना इनके साथ, अगर आपको ये बताती मेरे बच्चे को, वो तो फिलहाल मैं यहाँ ला नहीं सकी, अगर लाते तो वो तो एक जुबान जो कर देता है ना उसमें पूरा कायम रहता है, जिंदगी भर साथ निभाने। वो ऐसे आजकल के लड़कों में से नहीं है कि इधर से बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा यानी कि मेरे बहुत तकलीफ है उनके लिए। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल 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 ज्यादा। मैं आपको इस बात की दाद देता हूँ और हकीकत यह है कि आपने सच बोला। जब माँ इतनी सच्ची है तो बच्चे भी सच्चे, बच्चे भी सच्चे होंगे। शुक्रिया आपकी, आप कह रही है साफ साफ कह रही है कि बस आपके साथ मेरे बच्चे की जिंदगी बन सकती है। बिल्कुल, आपने अपने बच्चे की जिंदगी इनको सौंप दी। जी बिल्कुल ठीक, तो सच्चाई यही है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर मतलब बात सारी देखभाल की करेंगे हाँ या ना, कि अगर अगर शादी होती है हमसे तो जाहिर है आगे नस्ल बढ़ानी है, हो सकता है हम इजाजत दे दें कोई और शादी कर लो, बच्चे हो जाएंगे, आप माँ की भी ख्वाहिश पूरी कर लोगे। लेकिन इस वक्त हम इतना जकड़े हुए हैं अपनी प्रॉब्लम्स में। नहीं देखिए ना, अगर अगर आप दोनों में कर सकते हैं, आप अगर अल्लाह ने आपको दिया तो आपने बच्चों के बारे में ही बात कर रहे हैं, अगर खुदा ने आपको दिया तो आप फेंकेंगे तो नहीं। फिलहाल अल्लाह ताला चलो एक ही दे दे, पर हर किसी को उम्मीद होता है। मैं दादी बनना चाहती हूं, हमारे साथ जरा लेना चाहूंगी, दुबई से है, आदाब अर्ज है, कौन है? एक क्यों दे दे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, नाम बताइए, कौन बात कर रहे? मैं आपसे बात कर रहा हूं दुबई से। आसर साहब आपके टीवी का वॉल्यूम ये ले भाई, मेरे बेटी को बुला। ठीक है अब ठीक है, मेहरबानी आसिफ साहब बताइए किसके लिए बात करना चाहेंगे? मैं बिंदिया जी के रिश्ते के लिए बात कर रही हूँ। बिंदिया जी से बात करनी है। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आप ऐसा एक नेक काम में जो आपसे खड़ा रही हैं, बहुत मेहरबानी। तो मेरे एक दोस्त है जी, इब्राहिम नाम है उसका, उसके लिए। अच्छा आप अपने दोस्त के लिए बात करें, नाम बताइए क्या बोल रहे? ये रहीम, रहीम रहीम, रहीम के लिए, रहीम साहब के लिए बात कर रहे हैं। रहीम साहब की उम्र बताएंगे? 45 है उनकी। 45 और क्या करते हैं? वो यहाँ जो दुबई में जॉब करते हैं। दुबई में जॉब करते हैं, किस चीज़ की? रहने वाले कश्मीर के, रहने वाले कश्मीर के रहने वाले। अच्छा किस चीज़ की जॉब करते हैं? जी वो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड है। अच्छा सिक्योरिटी गार्ड है, और शादीशुदा है? जी पहले शादी की थी उन्होंने, वो छोड़ दी, एक बच्चा भी है उनका छोटा। तो बच्चा इनके पास है? वो जी बच्चा उनके पास ही है। अच्छा थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, आपके नंबर हमारे पास आ गए, हम आपको कांटेक्ट कर देंगे बिंदिया जी से पूछ के, थैंक यू मेहरबानी। अच्छा जी बात को कंटिन्यू करते हैं, तो एक माँ का कलेजा रखती हैं आप एक वो फील रखती हैं जिसमें आप चाहती हैं आपका बच्चा सेटल हो जाए। इवन आपके पास वो कुर्बानी का भी जज्बा है कि अगर मेरे बच्चे की सेटलमेंट के लिए और उसकी लाइफ के लिए, फ्यूचर के लिए अगर मुझसे भी दूर हो जाए तो कोई ऐसा मसला नहीं है। बिल्कुल बच्चे खुश रहे, माँ को इससे क्या बात, कोई खुशी नहीं होती है, बच्चे खुश रहे, बेशक हमें कुछ दे ना दे,
मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं थी। बेटों बेटों अल्लाह का शुक्र है कि मेरे मियां इतना कमा लेते कि मैं शुरू से गुजारा कर लेती हूँ, आगे भी कर लूँ। हमारी दुआ है कि आप खैर औफियत से अच्छा आपको रिश्ता मिले। भले बिंदिया जी अब जो बात करेंगी बाद में वो भी हम देख लेंगे, और अगर अगर बिंदिया जी नहीं होती तो कोई अच्छी लड़की नसीब में हो और अच्छी सेटलमेंट हो आपके बेटे की, और इंशाल्लाह खैर औफियत से अच्छी जिंदगी गुजरे उनकी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का। अच्छा। मैं आपकी जज्बे की कदर करती हूं। बेटी को बुला देते जी, बिंदिया जी को देखना चाहते हैं। अच्छा बेटी को? हाँ जी वो भी आई है। अच्छा बेटी को अभी हम वक्फे के बाद फिर बुलाते हैं, एक छोटा सा वक्फा दरकार है। वक्फे के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, रहिएगा मेरे साथ। अदाबर से।